Okay. So here is the question related to trigonometric limit. So the question is, limit extending to 0, 1 minus cos x into under the root of cos x divided by x square. अब ध्यान से देखो इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, क्या थॉट आता है इस क्वेश्चन को करने के लिए? कोई थॉट आ रहा है किसी के बच्चे के दिमाग में? तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसा थॉट से करते हैं, क्या कि ठीक है एक काम करते हैं भाई, यहां पे लिमिट लगाया एक्सटेंडिंग टू जीरो और वन माइनस का कॉस एक्स, और ये जो है एक्स को जीरो पुट किया ये तो वन आ गया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया। और हम जानते हैं ये हमने उस दिन पढ़ा था, ये तो हाफ होता है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज यहां पर हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल लिमिट विच इज नॉट अलाउड हियर, विच इज नॉट अलाउड हियर। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड पार्शियल लिमिट? पार्शियल लिमिट मतलब आधे में लिमिट लगा देना। आधे में लिमिट कैसे लगा देना, मतलब क्या इस बात का? अरे भाई एक्स को जीरो टेंड करने पर मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला तो जीरो टेंड करने पर ये वाली वैल्यू तो वन हो गई, या ये वाला एक्स तो जीरो को टेंड करेगा और ये नहीं करेगा, ये थोड़ी देर बाद करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इट इज नॉट अलाउड एट ऑल इन लिमिट्स। लिमिट्स के अंदर में जब भी हम लिमिट पुट करते हैं एक्सटेंडिंग टू ए पर, तो वो वैल्यू हम एंटायर दी फंक्शन या गिवन फंक्शन के अंदर में एक साथ पुट करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, दिस इज व्हाट आई होप यू ऑल मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज पार्शियल लिमिट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कॉस एक्स into root under of cos 2x into 1 plus cos x into root under of cos of 2x whole divided by x square times of 1 plus cos x into root under of cos of 2x, right? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ठीक है, just a minute. So हमने ये रैशनलाइजेशन कर दिया, यानी 1 प्लस cos x इंटू रूट अंडर ऑफ cos 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसका फायदा क्या बनेगा, ध्यान से देखें, फायदा ये मिल जाएगा, लेट मी राइट इट, ये बन जाएगा अपने पास, क्या बना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 माइनस का cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ 2x। ध्यान रहे ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जस्ट अ मिनट, इनटू 1 प्लस cos x इनटू रूट अंडर ऑफ cos ऑफ 2x। ये cos x के साथ जो रूट अंडर ऑफ cos 2x मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एंगल का पार्ट नहीं है, ये cos ऑफ समथिंग, दिस इज वन फंक्शन इनटू समथिंग, मतलब ऐसे समझ लो रूट cos 2x इनटू cos x लिखा हुआ, ठीक है ना, रूट cos 2x इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंगल और द आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन, आर्गुमेंट इज ओनली x ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू एक्स। अब एक मिनट के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात, कॉस टू एक्स या तो कॉस टू एक्स को आप लोग यूज कर लें टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ आएगी बात मेरी, x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos x इनटू रूट अंडर ऑफ cos ऑफ 2x, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इनटू साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos x इनटू रूट अंडर ऑफ cos 2x एज इट इज रखते चले, सही, ठीक है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर x आप कॉमन ले लें और 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर x अंदर बच गया,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रख दें इनटू 1 प्लस कॉस एक्स इनटू रूट अंडर ऑफ कॉस ऑफ 2x एज इट इज लिख दें। अब इससे क्या फायदा मिला, आई एम श्योर आप लोग सब समझ पा रहे होंगे क्या फायदा मिल रहा है इससे, ध्यान से देखें आप लोग। फायदा ये मिला इससे कि जो साइन थीटा बाय थीटा है ये तो 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या बन गई, अब एक्सटेंडिंग टू 0 यानी वो लिमिट आप पुट कर दें आप सारी जगह पर, तो वैल्यू आ गई 1 इनटू, अब 1 माइनस का ये एक्स को 0 पुट करने पर ये कितना बन गया, 1 माइनस का 2 क्योंकि cos 0 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 इनटू 1 इज 1 तो 1 प्लस 1 इज 1। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आ गई है, ध्यान से देखें ये बन जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। लेट मी रीचेक द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन पार्ट में कोई इश्यूज तो नहीं है क्योंकि मैंने आंसर शायद 3/2 लिखा है, बट मे बी रॉन्गली रिटन हियर, लेट मी रीचेक इट। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू तो 1 प्लस कॉस एक्स कॉस रूट 2x, अच्छा नहीं ध्यान से देखें दोस्तों, जस्ट अ मिनट, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया इंटू कॉस ऑफ 2x बन गया क्योंकि ये तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये कॉस 2x आ जाएगा एज इट इज, वो आ गया। और आने के बाद कॉस 2x को 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अलग बन जाएगा और ये माइनस माइनस, दोस्तों देखो मेरे से गलती हो गई यहाँ पर, ये माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, दिस इज द मिस्टेक आई हैव कमिटेड हियर। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर आएगी वैल्यू 1 प्लस 2 तो ये आएगा 1 प्लस 2। तो एज अ रिजल्ट लेट मी री राइट इट, एज अ रिजल्ट द वैल्यू विल बी कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट मींस दैट द आंसर रिटन ओवर इनिशियली इज 100% करेक्ट। तो शायद आप सबको पार्शियल लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि ये टर्म की मैं बात करूं, दिस टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेरे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड थी, दिस वन ओनली दिस पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ये पोर्शन इस स्टेप में भी लिखा, अगले स्टेप में भी लिखा, अगले स्टेप में भी लिखा और उसके बाद जाकर के जब ऊपर 0 बाय और इस स्टेप में भी लिखा, देखिए ध्यान से इस स्टेप में भी लिखा और जब 0/0 फॉर्म जो कि यहां बन रहा था, 0/0 फॉर्म जो कि बन रहा था, आई एम सेइंग अगेन यहां भी 0/0 बन रहा था, 0/0 बन रहा था, तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर में 0 और जो फैक्टर न्यूमरेटर में 0 बन रहा था उनको अलग अलग लिखा और वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का उसने शेप ले लिया, तब मैंने जाकर के लिमिट की वैल्यू पुट करी ताकि कुछ ना कुछ कंक्रीट वैल्यू आ जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो जाए, राइट, दिस इज व्हाट वी डिड हियर। मेरा कहने का मतलब है इस वैल्यू को जो मैंने हाईलाइट किया, दिस वन इसकी आप भले ही बार बार अगर आप लिखना नहीं चाहते, आपका लिखने में समय खराब हो रहा है आपको लग रहा है, तो वाइल नीचे इस वैल्यू को आप एक तरीके से, क्योंकि ये पता है मुझे एक्सटेंडिंग टू जीरो करने पर ये वाली वैल्यू जीरो तो नहीं है, तो इसके मतलब ये 0/0 फॉर्म में कुछ इसका योगदान नहीं है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एज अ रिजल्ट इस पार्ट को आप से अल्फा लिख लो, बीटा लिख लो और बाद में उस अल्फा की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू जीरो पर क्या आ रही है वो आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, फर्क क्या पड़ेगा, there may be many questions you will be coming across जिसके अंदर में जिस तरीके के मैनिपुलेशन यहाँ मैंने एक टर्म के अंदर में की, हो सकता है ऐसी मैनिपुलेशन आप एक से ज्यादा 4 या 5 टर्म्स के अंदर में करें, तो बार बार हो सकता है वो लिखना पड़े, तो वो लिखने वाला समय बचाने के लिए मैं आप सबको ये गाइड कर रहा हूँ, तो यू मे डू इट। इसको पार्शियल लिमिट, ये वाली अगर इसको पार्शियल लिमिट बोलोगे, कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं अल्फा क्यों लिखूं जब पता है इसकी वैल्यू एक्सटेंडिंग टू जीरो पर 2 आ रही है, नीचे 1 प्लस 1 2 आ रही है, तो मैं इसको 2 लिख लूं। आप लिखना चाहते हो लिख लें, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तब परेशानी है जब इसके आगे प्लस माइनस का समथिंग और कुछ भी लिमिट लिखी होगी तो परेशानी है, तो मत करें उस केस के अंदर में ये काम, ठीक है ना। इनफैक्ट पार्शियल लिमिट इज नॉट अलाउड, आप ऐसा ही समझ लो, मच बेटर है, वरना कंफ्यूजन होगी कि कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। इट इज एडवाइजेबल, तो इफ there is a value coming which is denominator में not becoming zero,
सो यू मे कंसिडर दैट वैल्यू एज अ बीटा एंड देन फाइनली जीरो बाय जीरो फॉर्म जब हटा रहे होंगे जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट करने वाले फैक्टर्स जो बन रहा रहे हैं वो हटा रहे होंगे जब आप, तब उस बीटा की वैल्यू आप पुट कर दे, कोई इशू नहीं है, आपका लिखने का समय बचेगा. दिस इज वट ओनली आई वॉन्टेड टू कन्वे वाया दिस क्वेश्चन, राइट. चलिए आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा. मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, अब देखे ध्यान से, वन माइनस का कॉज एक्स नहीं है, वन माइनस का कॉज ऑफ वन माइनस का कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर लिखा है, ठीक है. अब कोई बच्चा तो इसको फिर दोबारा वही थॉट के साथ में ये भी कह सकता है कि सर एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को, वन माइनस का कॉज ऑफ वन माइनस का कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करें और अपॉन एक्स की पावर फोर करें, और करने में कर सकता है कोई बच्चा, बहुत सारे कलाकार होते हैं दुनिया में, है ना. क्या गलती है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है. तो ठीक है, और वन माइनस का कॉज एक्स हम जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, वन माइनस का कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हाफ होती है, वैल्यू हाफ पुट कर दी तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर अब बाय टू का होल स्क्वायर कर दो और इंटू फोर कर दो, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया ताकि जो ये एंगल आ रहा है ऊपर उसी का स्क्वायर नीचे अवेलेबल हो गया, ठीक है, हमने लिख दिया. पर हम जानते हैं वाया द सेम कॉन्सेप्ट, वन माइनस का कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर व्हेन थीटा स्टैंडिंग टू जीरो इज हाफ, तो एज अ रिजल्ट 1/8 आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. ध्यान से देखिए, आंसर में 1% भी गलती नहीं है, बड़ी स्ट्रेंज बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये टोटली तरीका 100% गलत है. बिकॉज एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा, आई रिमेम्बर अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि स्टूडेंट ए हैज डन द क्वेश्चन बाय दिस मेथड एंड स्टूडेंट बी ने किसी और तरीके से किया और दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बताओ किसका तरीका सही है. स्टूडेंट ए इज करेक्ट, स्टूडेंट बी इज रॉन्ग, स्टूडेंट ए इज रॉन्ग, स्टूडेंट बी इज करेक्ट, इसी के ऊपर चार ऑप्शन आ जाएंगे और आपसे सवाल पूछा जा सकता है. यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम श्योर दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस मेथड इज कंप्लीटली रॉन्ग, अगेन द रीजन बींग पार्शियल लिमिट, अगेन द रीजन बींग द कॉन्सेप्ट यूज हेयर इज पार्शियल लिमिट. यू गेटिंग माई पॉइंट, तो पार्शियल लिमिट हमें पता है हम नहीं करते हैं, तो पार्शियल लिमिट अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, यही मुझे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था बार बार. मैं आपको एक क्वेश्चन पिछला और एक यहां से आपको सिखा चुका हूं. सो व्हाट इज द जेन्युइन तरीका, व्हाट इज द जेन्युइन तरीका और मेथड इज, ये ऑलरेडी हिंट में लिखा है, ध्यान से देखिए. वन माइनस का कॉज ऑफ, अब जो अंदर में वन माइनस कॉज एक्स है वो आर्ग्यूमेंट एक्ट कर रहा है कॉज फाइन कोसाइन फंक्शन का. अब वन माइनस का कॉज थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है, हम जानते हैं. तो जस्ट अ मिनट, तो ये बन जाएगा कितना, तो लेट मी राइट द करेक्ट मेथड नाउ फॉर दिस क्वेश्चन. लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कॉज ऑफ, अब अंदर में क्या लिखा, ऊपर लिखा है वन माइनस कॉज एक्स, वन माइनस कॉज एक्स की जगह मैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर, ऐसा लिख दिया. अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी है, कि वन माइनस का कॉस थीटा बाय थीटा का स्क्वायर वैल्यू हाफ होती है अगर थीटा जीरो को टेंड कर रहा होता है. तो ध्यान से देखिए भाई साहब या दोस्तों, आप सब लोग ध्यान से देखिए, क्या कि वन माइनस का कॉज ऑफ ये क्या बन जाएगा, अब ये एंगल थीटा है, ये थीटा जीरो को टेंड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज लेट अस से टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, क्योंकि ये थीटा एक्स के जीरो टेंड करने पर जीरो को टेंड कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिख दिया, वन माइनस कॉस थीटा बाय थीटा का स्क्वायर आ गया, राइट. और नीचे एक्स पावर फोर एज इट इज रखा और इस थीटा का स्क्वायर को यानी टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों. तो यहां से ये बात पता चली कि ये जो पोर्शन हुआ इतना, ये वाला एंड दिस वन, ये वाला फॉर्म बन गया वन माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर का, ही तो फॉर्म बन गया दोबारा. ध्यान से देखिए, ये थीटा है और इसी का स्क्वायर नीचे अवेलेबल है, तो वो वैल्यू हाफ आ जाएगी, लेकिन पार्शियल लिमिट में नहीं पुट कर रहा, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट
देखें दोस्तों, फिर क्या बन जाएगी बात अपने पास, ये बनेगी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन माइनस का कॉस ऑफ टू साइन स्क्वायर x बाय टू डिवाइडेड बाय टू साइन स्क्वायर x बाय टू का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज हमने रख ली अलग से, इंटू ये बन जाएगा फोर इंटू साइन पावर फोर एक्स बाय टू, तो साइन x बाय टू लिखा और नीचे ये x लिखा और बाय टू लिखा और इसकी भी पावर फोर कर दी और इसकी भी पावर फोर कर दी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अलग से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, ध्यान दे लेते हैं। तो क्या ध्यान देंगे इनका, देखो ध्यान से, के टू का स्क्वायर ये तो फोर आ गया एज इट इज, ये तो बात खत्म हो गई, अब एक्स बाय टू की पावर फोर तो नीचे टू की पावर फोर हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर है, उससे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ अ कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो अपन जानते हैं, ये वैल्यू तो हाफ हो जाएगी, ये वैल्यू हाफ हो गई और ये जो पोर्शन है साइन थीटा बाय थीटा की लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वन होती है और उसका पावर फोर करेंगे तो वैल्यू भी वन रहेगी, तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें दोस्तों क्या बन गया नीचे आंसर, एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हटा देते हैं, हाफ इंटू फोर इंटू वन डिवाइडेड बाय टू पावर फोर, तो एज अ रिजल्ट टू की पावर टू ऊपर है तो एज अ रिजल्ट नीचे टू की पावर फाइव है तो वन अपॉन टू की पावर थ्री यानी वन अपॉन एट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ आ रही है सभी को, देखें ध्यान से, वन अपॉन एट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दिस इज अ मेथड जिसमें हमने पार्शियल लिमिट इस्तेमाल नहीं किया और हमने आंसर आपके सामने निकाल दिया, क्लियर, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। So here now is the using the substitution method. अभी हमने बात करी trigonometric limits की, अब मैं limits substitution method की बात कर रहा हूँ आपसे, substitution को use करके, देख रहे हैं आप शायद, limit extending to a of f(x) can be written as limit f of a minus h as h tends to zero या फिर h tending to zero पर f of a plus h, यानी x को हम a minus h या a प्लस एच सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, तो ऐसा भी क्वेश्चंस में करने की जरूरत पड़े तो वी कैन डू इट, ऐसा हमने देखा भी है पहले। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू ऑफ सीकेंट एक्स माइनस का टेन एक्स, तो ठीक है पाई बाई टू पुट करने पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक, secant pi by 2 भी infinity को और tan pi by 2 भी infinity को जा रहा होगा, approach कर रहा होगा, तो ठीक है हमने क्या करा, अब इसको sin cos में change कर दिया, अब sin cos में change करा तो obviously 1 minus का sin x upon cos x किया तो ये 0 by 0 form बन गई, ये भी indeterminate form है, ये भी indeterminate form है, ठीक, तो अब क्या किया हमने, अब क्या किया, अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब x को pi by 2 plus h put कर दिया, अब यहां पर मेरा मन कि मैं x को या तो पाई बाय टू प्लस एच सब्सटीट्यूट करूं या पाई बाय टू माइनस एच सब्सटीट्यूट करूं एज एच टेंड्स टू जीरो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पर एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, द रीजन बीइंग पाई बाय टू पुट करने पर इस फंक्शन की डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की लिमिट बराबर आएगी इस फंक्शन को देखते हुए, ये फील आ रही है, तो इसीलिए हमने इधर दिस और दिस वी कैन मेक अ यूसेज हियर। तो हमने x को लेट अस से पाई बाय 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट किया और करने के बाद 1 माइनस का साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस h अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h ये आ गया अपने पास। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब ये जो कर दिया ये भी तरीका सही है, या फिर आप सीधा ऐसा क्यों नहीं करते, x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का कॉस एच हमें पता है अपॉन एच स्क्वायर करेंगे और इंटू एच स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय साइन एच करेंगे और ये माइनस तो है ही इसके आगे, ठीक है उससे क्या फर्क पड़ा, हमें पता है ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है और 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर ये तो वैल्यू हाफ होती है और इस एच स्क्वायर के अंदर में से इस एच को एच इंटू एच लिखूंगा तो एच अपॉन साइन एच तो 1 आ जाएगा इंटू एच बच जाएगा एक और, यानी मैं इसको ऐसा लिख दूं आपके सामने एच इंटू एच लिख दें तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है h अपॉन साइन h ये 1 आ गया नीचे माइनस तो है ही और इनटू 0 टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो आपने देखा इस सवाल के अंदर में
हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कन्वर्ट करा एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से दूसरी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर में. वी कन्वर्टेड अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म टू द अनदर एंड यस वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. और हमने x को a प्लस एच या a माइनस एच का सब्स्टिट्यूशन करा. क्लियर. चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर. अब अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, अगले सवाल के अंदर में x टेंडिंग टू 1 है, और अगर मैं इसको देखूं इस क्यूबिक को केवल और केवल, क्या यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या? यस बन रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है. तो अगर मैं देखूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो इसका वन ऑफ द फैक्टर 1 तो आ ही रहा है, तो क्या बन जाएगा, फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस का 1 इंटू सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, तो प्लस का 2x यानी 2x स्क्वायर ऐड हुआ तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा. और ध्यान से देखें दोस्तों ये कितना बन जाएगा, और माइनस का 2x आ जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा. तो ध्यान से देखें ये फैक्टराइजेशन के बाद आ गई बात अपने पास. आई एम रिपीटिंग, इसको और इसको मैंने बिना डिवाइड किए ऐसा कर दिया यहाँ पर, तो एक्स क्यूब आ जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब आएगा इससे माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा. देखो ना ध्यान से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x और माइनस का 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और वही बात आ गई अपने पास जो चाहिए थी. करेक्ट है, तो ठीक है यहाँ तक बात सही आ गई. तो इसका मतलब ध्यान से देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस 1. अब आपकी इच्छा x इज इक्वल टू 1 प्लस एच सब्सटीट्यूट करना है या नहीं करना है, भले ना करो तब भी आंसर आ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखें इतने पोर्शन को, टॉक अबाउट दिस पोर्शन, ये वैल्यू तो 1 को टेंड कर रही है, क्योंकि थीटा अपॉन साइन थीटा, और थीटा 0 को टेंड कर रहा है अगर x 1 को टेंड कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये आंसर केवल और केवल क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट, चलिए फेयर इनफ, लेट्स मूव ऑन फॉर द नाउ. अब सेम तरीके का क्वेश्चन यहाँ भी देख पा रहे हैं हम लोग, क्या यानी सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड आई एम सेइंग अबाउट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो हम x इक्वल टू 1 प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दें या 1 माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दें एज एच टेंड्स टू 0, ठीक, वी कैन ट्राई इट आउट. तो क्या कर सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब 1 माइनस का x, अब x की वैल्यू 1 प्लस एच है, ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू टैन ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एच इंटू टैन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई एच डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई अपने पास बात. तो एज अ टैन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, तो एज अ रिजल्ट लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो माइनस टैन 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो एच अपॉन ये इसको कॉट को टेन थीटा लिख, 1 अपॉन टेन थीटा यानी अपॉन पाई एच बाय 2 कर दिया. और हमने क्या करा, अब इसको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई और पाई बाय 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, टेन थीटा बाय थीटा एज थीटा टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो एज अ रिजल्ट ये आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय पाई, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप I am able to make my point perfectly clear to all of you, right? Okay. So moving on to the another question, ये लिखा है x square into cos of 1 by x divided by sin x. इसका आंसर 0 आ रहा है. तो please एक बार इस concept को अच्छे से समझ लेना. है बहुत छोटी सी बात, लेकिन I need to make you understand. इसको मैं लिख सकता हूँ limit x tending to 0 x into cos of 1 by x डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है. मैं फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, लेट मी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो ध्यान से देखें दोस्तों, हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर एक्स अपॉन साइन एक्स ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, ये वाली वैल्यू तो 1 को अप्रोच करेगी. ये जो वैल्यू है ये टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा नंबर है टेंडिंग टू 0, और ये जो वैल्यू है कॉस ऑफ लेटर से इन्फिनिटी भी हो जाएगा, but this is a finite quantity. This is a finite quantity lying between minus 1 to 1. अब वो वैल्यू क्या है मैं जानता हूँ क्या? कोई भी नहीं जानता.
cos of infinity, sine of infinity, इसकी क्या वैल्यू होगी? We can't comment upon this value, right? So, तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर में? तो as a result ये वैल्यू जीरो को टेंड कर जाएगी सारी की सारी, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है ये वैल्यू वन को टेंड कर रही है, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू टेंड कर रही है, ये जीरो को टेंड कर रही है. जीरो into a real number is going to give me a value as zero. मेरी बात समझ में आ रही है, right? So it is, देखिये दूसरी भी बात लिखी, दूसरी बात यहां पर x square into sine of 1 by x divided by sine x लिखा है. तो इसमें भी ध्यान से देखें, x upon sine x अलग से लिख लिया हमने, into x into sine of 1 by x लिखा. फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? केवल एक ही फर्क है, वहां cos of 1 by x था, यहां पर sine of 1 by x है. बट अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, कि साइन के अंदर में भी जो इन्फिनिटी जाएगा तो वैल्यू हमेशा जो है वो माइनस वन से लेकर के वन के बीच में ही रहेगी, और ये वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, ये वैल्यू वन को टेंड कर रही है, तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू जीरो आएगी इसके लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, मूविंग ऑन फर्दर टू अनदर क्वेश्चन. ध्यान से देखें, ये लिखा है क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स साइन एक्स माइनस रूट अंडर ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर एक्स. इस क्वेश्चन को देखते ही फील आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर में? रैशनलाइजेशन करना चाहिए. हिंट में भी लिखी है बात ये, तो आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेंगे. रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखें, आफ्टर रैशनलाइजेशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ कॉस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो बन जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा ये, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी दिस वन विल बी लाइक दिस, ये ए स्क्वायर आ गया माइनस का बी स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय दिस टैन स्क्वायर एक्स बाय टू विल रिमेन एज सच इनटू अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स साइन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा. करेक्ट है, यहां तक बात समझ में आ रही? और अब इस 1 माइनस कॉस 2x को आप यूज कर ले, इस पोर्शन की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो वही बात है एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये वैल्यू 0 तो जाने रही डिनोमिनेटर में, कुछ वैल्यू आ रही तो तुम्हारी इच्छा, इसको बीटा पुट करना चाहते हो, अल्फा पुट करना चाहते हो, वैल्यू पुट करना चाहते हो एज इट इज यहां पर पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. उसको पार्शियल लिमिट वो वाला अगर बोलना भी चाहते हो बोल दो, लेकिन वो अलाउड है, उससे आंसर पेपर फाइनली नहीं पड़ेगा. टेक्निकली स्पीकिंग पार्शियल लिमिट इज नॉट अलाउड, राइट? चलिए मूविंग ऑन. अब ये ठीक है, अब इसको फर्दर मेरे ख्याल में किया जा सकता है. कैसे? अब ये 1 माइनस का cos 2x लिखा है, है ना? अब 1 माइनस का cos 2x will be equal to 2 sin square x by 2, हम लिख सकते हैं इसको 2 sin square x, सॉरी इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, तो इसको हम फर्दर यूज कर लेंगे. cos 2 theta is 1 माइनस का 2 sin square x, तो हमने यूज कर लिया, तो इसको और इसको क्लब करके और फिर sin x कॉमन लेकर के आई एम श्योर आप लोग आगे इस फर्दर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और ये एक हिंट भी दिया गया है ऑलरेडी, राइट? तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देखिए 11th क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan x अपॉन tan 3x. ये क्वेश्चन मैंने जान के लिए, मैं ये आपके लिए करूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे. क्या है इसके अंदर में? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan x डिवाइडेड बाय tan 3x. tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan x माइनस का tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x. यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं है, पाई बाय 2, तो tan x अपॉन x एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, तो मैं अपॉन x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तो यहां पर कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं. तो ये बन जाएगी बात, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, ऊपर से tan x और नीचे से tan x कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का tan स्क्वायर x. यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, as x टेंड्स टू पाई बाय 2, हम जानते हैं जो tan x है टेंड्स टू इंफिनिटी को टेंड कर रहा, ठीक है ना? वो अलग बात है, पाई बाय 2 प्लस पर इन्फिनिटी हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ठीक है. अब ध्यान से देखो,
अब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट नंबर जो इन्फिनिटी को जा रहा है वो टेंस पर एक्स है, वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या कर दें, हाईएस्ट पावर से हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ये बन जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन. ठीक, ऑब्वियसली ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो माइनस थ्री बाय माइनस वन, द आंसर इज थ्री. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो इसी तरीके से आप टेन एक्स अपॉन टेन फाइव एक्स को भी आप करेंगे, आई एम श्योर आपसे आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, 5x को 2x plus 3x करके further approach कर लेना, you'll get the answer. Okay. Wonderful. So here is another question. ये देखिए, limit extending to pi by 3, limit extending to, just a minute. So this is limit extending to pi by 3, tan cube x minus ka 3 tan x divided by cos of x plus pi by 6. So, dekhiye, yahan par hint already likha hua hai, take tan x common and expand the denominator and factorize it. I hope ye baat samajh gaye honge aap log, yani kehne ka matlab, kyunki limit extending to pi by 3 par ho kya raha hai, ye 0 by 0 form ban raha hai. Ban raha hai ke 0 by 0 form? Yes. डिनोमिनेटर में देखो आप, कॉस 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गया. ठीक, तो ठीक है, एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 3, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेन एक्स हमने कॉमन लिया, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी, ऐसा लिख लिया. एज अ रिजल्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 3 पर ध्यान से देखें, ये टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 एज इट इज रखा डिवाइडेड बाय ये कॉस 30 डिग्री है, ये साइन 30 डिग्री है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू, अब कॉस ऑफ 30 degree, this value will be root 3 divided by 2 minus ka sin x into, this value is going to be half. Okay, as a result, limit extending to pi by 3, ye 2 niche ka aur ye niche ka common le liya aur wo upar chala jayega, so 2 times of tan x into tan square x minus ka 3 divided by root 3 into cos x minus ka sin x. ये बन गई बात, सही है. तो अब क्या करेंगे इसके अंदर में, समझ में आ रही है बात की? तो अब ध्यान से देखें दोस्तों, जीरो बाय जीरो फैक्टर, एक तो ये वाला फैक्टर जीरो बना रहा है और ये फैक्टर जीरो बना रहा है ना, पुट करके देख लें आप एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 3. तो हमने क्या करा, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, यानी एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 3 एज इट इज आ गया, 2 ये रहा और ये टेन एक्स एज इट इज रख दिया और इसको क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आया और इंटू रूट 3 इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स लिख दिया. यहां तक बात समझ में आती है? ठीक, यानी टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, बस दैट्स इट. अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन रहा है, विच कैन बी रिटन एज ए माइनस बी टू ए प्लस बी, एज अ रिजल्ट ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 3 ऑफ 2 इंटू साइन एक्स अपॉन ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स, राइट, तो साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा और ध्यान से देखें ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस रूट 3 इंटू कॉस एक्स और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा रूट 3 इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स. इससे फायदा क्या मिला, ध्यान से देखें, ये वाला फैक्टर जो ऊपर और नीचे जीरो व जीरो बना रहा था वो फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यानी इनडिटर्मिनेंसी जो चीज बना रही थी वो हमने हटा दी, राइट. तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान से देखें,
तो अब हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू पाई बाय थ्री हमने पुट करना है, तो पुट करते हैं आप। अब जीरो बाय जीरो नहीं बन रहा, तो माइनस का टू इंटू अब 60 डिग्री। अब ये साइन 60 डिग्री पर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहां पर तो हम पहले पाई बाय सिक्स पर बात कर रहे थे, करेक्ट, पाई बाय सिक्स पर बात कर रहे थे, अब हम पाई बाय थ्री यानी 60 डिग्री पर बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू और इंटू, अभी साइन एक्स इज रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस रूट थ्री इंटू अब कॉस 60 डिग्री 1/2 होल डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स यानी कॉस 60 डिग्री यानी हाफ का क्यूब। अब आई एम श्योर इतना काम मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर निकाल लें। क्लियर, चलिए। सो दिस क्वेश्चन इज आई एम श्योर परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने फैक्टराइजेशन किया और tan x कॉमन लिया और एक्सपैंड कर दिया, बस यही चीजें इस्तेमाल करें। अब दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। अब क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए इस बात को, प्लीज इस बात को अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। क्या एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर बात की गई यहाँ पर, जीरो पर नहीं करी, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर बात की है। कारण ये है, और अगर मैं क्वेश्चन ये भी दे दूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अच्छा इस क्वेश्चन से कराने से पहले मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ रूट एक्स, तो इसका क्या आंसर होगा। इसको कहेंगे, इस क्वेश्चन को, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वन साइडेड लिमिट, सिंगल साइडेड लिमिट भी बोल देते हैं, सिंगल साइडेड लिमिट या वन साइडेड लिमिट। मतलब क्या है इस बात का, ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है रूट एक्स में, एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो उसकी डोमेन है, यानी ये इसकी क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई। अब लिमिट तो कहती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ रूट एक्स तो कहती है कि भैया जीरो प्लस पर भी बात करें और जीरो माइनस पर भी बात करें, लेकिन जीरो माइनस तो इसकी डोमेन में ही नहीं आ रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेन, नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंगल साइडेड लिमिट का वर्ड का मैंने आपके साथ जिक्र क्यों किया, जिन क्वेश्चंस के अंदर में एक ही तरफ की लिमिट, एक ही तरफ का पार्ट डोमेन में आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस के अंदर में हम उसी को ही लिमिट मान लेते हैं, यानी जीरो प्लस पर बात करूंगा तो यानी एक्स को मैं जीरो प्लस एच लिख दूंगा तो रूट अंडर ऑफ एच लिखूंगा तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरा कहने का मतलब या पॉइंट ये है, सिंगल साइडेड लिमिट के केस में हो सकता है किसी के अंदर में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट डोमेन का पार्ट आ रही हो, तो जो डोमेन का पार्ट है केवल वही आप आंसर निकाल दें, वही आंसर होगा। कायदे से तो लिमिट की डेफिनेशन LHL is equal to RHL is equal to finite quantity होनी चाहिए, लेकिन सिंगल साइडेड लिमिट के केस के अंदर में LHL और RHL equal to finite quantity, उसी को आंसर कह देते हैं और वो लिमिट एग्जिस्टेंस कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिखा है, लेकिन अगर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो भी बोल देता तब भी मैं जीरो प्लस पर ही बात करता, क्योंकि मुझे इस फंक्शन के अंदर में रूट एक्स नजर आ रहा है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो जीरो माइनस पर तो मैं बात करना भी चाहूं तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो करनी ही नहीं। तो इसीलिए इट इज द क्वेश्चन ऑफ अ सिंगल साइडेड लिमिट, सिंगल साइडेड लिमिट। यू गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आप ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है अपने को। अब सिंगल साइडेड लिमिट का क्वेश्चन है, ये तो तय हो गई बात, वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में अगर हम ना भी ये चीज सोचते या ना मैं बताता तब भी हम कर लेते इस सवाल को, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, तो इसलिए आई फोकस्ड ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक, तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसा कि हिंट में भी लिखा है, ध्यान से देखें मैंने क्या करा, कॉस इनवर्स के अंदर में जो 1 माइनस एक्स है उसको थीटा पुट कर दिया। क्यों थीटा पुट करा, ध्यान से देखो, तो एज अ रिजल्ट 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा आ जाएगी, तो यानी एक्स की वैल्यू जो है 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 आ जाएगी। तो ये लिख सकता हूं मैं, तो एज अ रिजल्ट लिमिट, और एज एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, एक्स जीरो प्लस को टेंड कर रहा है तो थीटा किसको टेंड करेगा, आप ये देखिए ध्यान से, थीटा किसको टेंड करेगा, जीरो प्लस। अब कॉस थीटा, अरे भैया ये देखो जरा, ये वैल्यू थी ये जीरो,
और ये 0.1 होता है, ये cos थीटा के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही x 0 प्लस को टेंड करेगा वो तब होगा जब थीटा 0 प्लस को टेंड करा दूंगा, क्योंकि 0 पर बात कर रहा हूं तो वो 0 आ रही है, 0 प्लस पर बात कर रहा हूं तो वाली वैल्यू यहां पर आ रही है, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी है, 1 माइनस का 1 से छोटा इज 0 से बड़ा, तो थीटा 0 प्लस पर टेंड कर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें दोस्तों, तो 1 माइनस लिमिट x x की बजाय थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस पर बात करूंगा, cos इनवर्स 1 माइनस का x यानी थीटा डिवाइड बाय रूट x मतलब रूट अंडर ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसा लिख लिया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस थीटा डिवाइड बाय, अब रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर x नहीं होता, रूट अंडर x स्क्वायर इज मॉडुलस x, तो एज अ रिजल्ट रूट 2 तो बाहर आ गया इनटू मॉडुलस ऑफ sin थीटा बाय 2 बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज मॉडुलस ऑफ sin थीटा बाय 2, तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू 1/√2 तो एज इट इज बाहर आ गया, और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस और थीटा डिवाइड बाय, अब हमें पता है 0 प्लस पर, अब sin का फंक्शन जो है वो 0 प्लस पर मॉडुलस sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 ही आएगा, तो एज अ रिजल्ट नीचे sin थीटा बाय 2 करा अपॉन 2 करा इनटू 2 करा ताकि ये वैल्यू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू 1 आ जाए, sin थीटा बाय थीटा या थीटा बाय sin थीटा, और ये आंसर एज अ रिजल्ट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इनटू 1 यानी कि वैल्यू आंसर आ जाएगा अंडर द रूट 2 फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन ऑफ सिंगल साइडेड लिमिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एम आई राइट? चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं, ध्यान से देखिए जरा, एक्सटेंडिंग टू 8, इसे आपके यू गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी जो मैंने लिखा है, एक्सटेंडिंग टू 8 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो मेंशन किया नहीं है यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? चलिए तो एक्सटेंडिंग टू 8 पर साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10 डिवाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 माइनस का x, ये कराने, अब हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में हर इंटीग्रल पॉइंट पर देयर इज अ चेंज इन द डेफिनेशन, तो एज अ रिजल्ट मैं यहां पर LHL की भी बात करूंगा और RHL की भी बात अलग अलग से करूंगा, जैसा कि आपके सामने किया भी हुआ है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग, एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 8 पर हमने 8 प्लस पर बात करी और 8 माइनस पर बात करी, 8 प्लस और 8 माइनस पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखें 8 प्लस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ, अगर मैं LHL की बात करूं, सॉरी 8 प्लस पर बात कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, तो 8 प्लस पर बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, अब ये नोट तो लिखा है, आई एम श्योर यहां पर ना कुछ क्वेश्चन के अंदर में देर इज एन इश्यू ऐसा लग रहा है मुझे देखने से, साइन ऑफ यहाँ पर 8 होना चाहिए, तो लेट मी रीचेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम